वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। आखिर यही समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। जीवन में अपने मूल्य और सिद्धांतों से कभी विचलित मत होना। अनेक लालच आएंगे, अनेक प्रलोभन आएंगे, अनेक लोग अनेक प्रकार से भटकाने का प्रयास करेंगे, लेकिन अटल जी की इस बात को याद रखना कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा है, और मौत के फंदे को कभी गले से मत लगाना। पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, पहचान का संकट खड़ा हो जाएगा, पहचान का संकट स्वयं के लिए नहीं आने देना है, अपने परिवार के लिए नहीं आने देना है, अपने खानदान के लिए नहीं आने देना है, अपने महापुरुषों के प्रति भी नहीं आने देना है, और अपने प्रदेश के सामने भी नहीं आने देना है। और इसीलिए जब हम कार्य करें सार्वजनिक जीवन में, याद करना हमारे लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, युवा मोर्चा के प्रत्येक युवा के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम, इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। तो हमारा मत मजहब संप्रदाय क्षेत्र भाषा तब है, देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है, और देश ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कोई सुरक्षित कैसे हो सकता है। और इसलिए देश के लिए पूर्ण समर्पण, राष्ट्रीय एकता अखंडता के सामने आने वाली चुनौती के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। आप देख रहे होंगे किस किस प्रकार की उपायें फैलाई जा रही है, कैसे कैसे खड़े हो रहे हैं, कैसे कैसे गुमराह करने वाली बातें हो रही हैं, जिन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, वे आज नकाब पहन करके फिर से गुमराह करने की मुद्रा में आ गए। जो लोग सामाजिक न्याय के लिए समर्पित महापुरुषों का अपमानित करते थे, आज वोट के लिए वे उनकी आरती उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नजारे तो देखो इन लोगों के, आखिर यही समाजवादी पार्टी है, कौन नहीं जानता इनके चेहरे को? आखिर यही कांग्रेस है जिसने देश के अंदर सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इनके कारनामों से कौन नहीं जानता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सर्वाधिक अपमान इन्होंने किया, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान इन्होंने किया, इन महापुरुषों को भारत रत्न नहीं मिलने पाए, इसके लिए एड़ी चोटी लगाई। ऐसे लगता था जैसे भारत रत्न पर एक परिवार का एक अधिकार हो गया हो, उसी परिवार के सारे लोगों को मिलना चाहिए, बाकी किसी और को नहीं मिलना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, इन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया, हमने सामाजिक एकता के लिए
पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस कार्य, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ सबका विकास।